हेलो भाई, मैं हूँ फैट भाई। अभी चलो साथ में डांस करते हैं। ऑल शार्क टीम, वो भी पहली बार, और यही चुस्की बनाने वाली कंपनी आज भी मार्केट में अपनी बचपन की यादें बेच रही है। मगर सिर्फ इन्होंने ही नहीं, एक और कंपनी ने यहाँ इतिहास रचा था, हैमर। ये कंपनी आई तो पैसा लेने थी, लेके आपकी कंपनी मुझे बेचोगे? हाँ जी। कितने में बेचोगे? तो ये अमन ने अपना कंपटीशन खत्म करने को तो नहीं किया था क्या? इसी वजह से हैमर आज इतने चर्चे में है, इसकी वजह जरूर जानेंगे। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अब मूत्र विसर्जन करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। इनफैक्ट अब टॉयलेट आप अपनी जेब में लेके घूम सकते हो। पता है ये शार्क टैंक की कौन सी कंपनी है? आइए जानते हैं। नंबर वन, पमार। Yes, कुछ इसी तरह शार्क टैंक पर बमर की एंट्री हुई थी, लेकिन अंत में अमन और नमिता ने सुले पर पैसे लगा ही दिए। पर डील लेने के बाद एक इंटरव्यू में जब सुले ने अपने वैल्यूएशन की सच्चाई पूछी तो उनका कहना था कि शार्क टैंक वाले गलत वैल्यूएशन देते हैं। तो शार्क टैंक तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेयर मार्केट वैल्यूएशन से आपको थोड़ा सा यानी शार्क टैंक इफेक्ट से किसी भी कंपनी का माल झट से बिक जाता है। तो शायद हर दूसरी कंपनी का स्ट्रगल सिर्फ चेक लेना ही नहीं, उसके बाद अपनी ब्रांड को बरकरार रखना भी होता है। चाहे शार्क टैंक में आने से पहले बमर सिर्फ अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स बेचता था, लेकिन आज उनके ये प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह पर बिकते हैं। मगर जहां उनका एवरेज ऑर्डर 1100 रुपए का होता है, वहां वो केवल 150 रुपए ही कमा पाते हैं, और यही कारण है कि आज भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। नंबर टू, हैमर स्टाइल। जो कंपनी पहले किसी भी ई बिजनेस साइट पर अवेलेबल नहीं, वही कंपनी आज टॉप 100 की कैटेगरी में नजर आती है। इस कंपनी ने शार्क टैंक में आने से पहले हर कैटेगरी में झंडे गाड़े थे, पर इन सब में अमन का ध्यान गया सिर्फ एक चीज पर, ईयरफोन्स, जो कि बोट का डायरेक्ट कंपटीशन था। इनफैक्ट इस चीज को खत्म करने के लिए अमन ने तुरंत दिमाग लगाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि हैमर के सीईओ इसके लिए मान भी गए थे। जी। अब होना क्या था, लग गए अश्नी रोहित की मदद में और डील ले आए नीचे 1 करोड़ 40%। ओ वाओ, 1 करोड़ 20%। लेकिन हैमर के लिए शार्क से निकलने के बाद अमन का ये साथ काफी दिलचस्प रहा, जहां वो 14 से बढ़कर अब 21 प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और अमन के इस साथ ने उन्हें कई रिसोर्सेज भी दिए हैं, क्योंकि जिस कंपनी की वैल्यूएशन ही ₹2,200 करोड़ हो तो उससे हैमर तो बढ़ने वाला ही था। लेकिन अगर हैमर के प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज देखें, इनिशियल इंप्रेशन में मजा नहीं आ रहा। तो क्या लगता है, आप बोट लेंगे या हैमर? नंबर थ्री, द सेस बार। Sharks, these are soaps. Wow. और मैं तो सच में खाने वाला था। 2019 में सिर्फ 25,000 से द सेस बार की शुरुआत हुई, और अपने बिजनेस को नया मोड़ देने के लिए ऋषिका पहुंची शार्क टैंक, और उसने मांग रखी 40 लाख रुपयों की 8% इक्विटी के साथ। वो अपने बिजनेस को गिफ्टिंग में ही आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इन दो शार्क्स ने उन्हें गिफ्टिंग के अलावा और भी बिजनेस एक्सपेंड करने के आइडिया दिए। शार्क्स, ये डील पक्की समझिए। अब ये आइडिया था यह जहां सा, क्योंकि जो कंपनी पहले हर महीने 6 से 7 लाख कमा रही थी, वो आज शार्क का विजन होने के बाद भी सिर्फ 10 से 20 ही कमा रही है। और शायद इन्हीं स्टार्टअप्स का एग्जाम्पल देते हुए अनुपम ने ये कह दिया था कि उनके पोर्टफोलियो में 60-70 ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिना रिटर्न दिए ही बंद पड़ गए। तो क्या लगता है, बिजनेस एक्सपेंड करना क्या सेस की गलती थी? नंबर फोर, पर्दा क्लोथिंग। ऐसे स्ट्रीट वेयर के लिए आप कितना दे सकते हो, 500 या 600? राइट, 150 रुपया। लेकिन पर्दा के ये स्ट्रीट वेयर तो शुरू ही 2,500 से होते हैं। लेकिन अपने महंगे कपड़े होने के बावजूद इन्हें शार्क टैंक में डील मिल गई, जिसकी बड़ी वजह थी कि अमन और नमिता, क्योंकि ये शार्क जवान लोगों पर दांव खेलना चाहते थे। पर पर्दा की प्राइस रेंज को देखकर क्या लगता है, आप इनकी 6,000 की जैकेट के बदले क्या क्या ले सकते हो? सरोजनी मार्केट से 300 वाले 20 टी-शर्ट या उसके साथ 500 वाली 5 जीन्स, क्योंकि पर्दा की जीन्स लेने के लिए आपको 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे। और यही कस्टमाइज्ड जीन्स के बारे में पीयूष ने भी कहा कि इन्हें सिर्फ 4 या 5 बार ही पहना जा सकता है। मतलब यूथ के कपड़े बनाने की इनकी स्ट्रेटजी जितनी पेपर पे अच्छी लग रही थी, उतनी असल जिंदगी में लागू नहीं होती। शायद इसी कारण 2021 में इंडिया के 2000 स्टार्टअप फेलियर की कगार पर उतर आए थे। लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने वालों को यूं ही थोड़ी ना शार्क कहते हैं। आज अमन इतने नेटवर्थ के मालिक है और नमिता इतने की, और इसी वजह से जल्द ही पर्दा भी मार्केट में हर जगह छा सकता है। नंबर 5, स्किपी आइस पॉप्स।
बचपन का स्वाद फिर से चखने की खातिर आप क्या दोगे? लाखों करोड़ों अरबों? बस 20 रुपए। रवि काबरा और उनकी पत्नी की कहानी तब शुरू हुई थी जब उनके पिता को माउथ कैंसर हुआ, जिसके चलते वो ऑस्ट्रेलिया से दौड़े दौड़े इंडिया आए और यहीं बिजनेस का फैसला ले लिया। हालांकि तब उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक आइस पॉप्सिकल का बिजनेस करेंगे और वो शार्क टैंक के इतिहास का पहला ऑल शार्क डील बनेगा। शार्क टैंक पर आने से पहले हर महीने 4 से 7 लाख कमाने वाले रवि शार्क टैंक के बाद 2.5 करोड़ कमा रहे हैं, क्योंकि आज बस ऑनलाइन ही नहीं, ये कंपनी हैदराबाद के साथ साथ देश भर में कई आउटलेट्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, जिसका क्रेडिट रवि ऑल शार्क डील को ही देते हैं। उनके मुताबिक इस ऑफर से शायद उन्हें पैसे ज्यादा मिल जाते, पर वो दूसरे स्टार्टअप्स की गिनती में रह जाते। पर जब उन्होंने पैसों को सेकेंडरी रखकर 5 शार्क से हाथ मिला लिया तो उनकी हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों बदल गए। नंबर 6, फिशूट्स। अगर फैक्ट भाई कहे कि आप अपना टॉयलेट अपनी पॉकेट में लेकर घूम सकते हो तो क्योंकि ये कमाल का चमत्कार शार्क टैंक पर हो चुका है। कैसे? बीशूट से, जो सिर्फ 10 रुपए में आपके सुसु को सॉलिड बना देता है। और इसके फीचर इतने कमाल है कि ना आपको कोई बदबू आएगी और ना रहेगी आपको लीकिंग की टेंशन। 2018 में शुरू हुए इस स्टार्टअप को लेकर सिद्धांत तवरवाला जब शार्क के पास पहुंचे तो इन दो शख्स के बीच सिद्धांत ने अमन गुप्ता को चुन लिया। लेकिन सिद्धांत के इस टॉयलेट सॉल्यूशन में एक बड़ी गलती छुपी थी। 2014 में वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था, इंडियन मर्दों का रास्ते पर मूत्र विसर्जन रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2018 में रास्ते पे मूत्र विसर्जन करने से रोकने की गलती करके एक रिक्शे वाले ने अपनी जान गंवा दी। और हमारे देश में तो खुद मिनिस्टर सफाई अभियानों के दौरान रास्ते पे ऐसा करते नजर आते हैं। अब आप बताओ, जिस देश में लोगों को रास्ते पर मूत्र विसर्जन करने की आदत ही लग चुकी हो, वहाँ पीशूट बेचेगा क्या और कमाएगा क्या? नंबर 7, गेटअवे। अक्सर लोग आइसक्रीम को वजन बढ़ने की वजह से अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें होता है दूध, और गेटअवे ने ऐसी आइसक्रीम बना डाली कि जिसमें दूध ही ना हो। और ये सॉल्यूशन लेकर ना सिर्फ वो आइसक्रीम की बड़ी इंडस्ट्री में घुस गए, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को शार्क टैंक तक भी पहुंचाया। यहाँ उन्हें अमन, अश्नीर और विनीता का साथ भी मिला और उनके चेक्स भी। और ये इसलिए था क्योंकि उन्हें इस कंपनी का हेतु अच्छा लगा, जहाँ गेटअवे लोगों को हेल्दी बनाने जा रहा है। इनफैक्ट इसी के चलते इनकी एम्बेसडर फिटनेस की मलिका मलाइका बनी और फिर गया सेल्स तो बढ़ना ही था। नंबर 8, टैक्स फूड। अगर आपसे कोई ये पूछे तो ऑयल शॉट्स तेल कौन पीता है? पर तेल के शॉट से शुरू करके जो पिचिंग इन्होंने खत्म की, देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट, ग्लूटेन, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, एनीथिंग लाइक दैट। ये सुनते ही 5 में से 3 जज खुश हो गए, ऑफ कोर्स, क्योंकि इस सब के साथ टैक्स में था 50% लेस फैट। और जब बारी आई इस ब्रांड में इन्वेस्ट करने की तो भले टैक्स फाउंडर का ऑफर ये था, पर अश्नीर ने उन्हें 2 million का हवाला देकर डील को 70 लाख 2.75 डन कर डाला। आज बेंगलुरु का ये ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से 22 सीरीज के 300 से 400 लाख घरों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके प्रोडक्ट्स विदेशी मार्केट तक भी पहुंच चुके हैं। पर सिर्फ पिचिंग नहीं, इनकी मार्केटिंग भी तो गुड है। तभी यूथ आइकन रणविजय ने इनमें इन्वेस्ट और इनकी एंडोर्सिंग की है। और ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही नहीं, अर्थ की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। इसके लिए वो जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उतना ही रिसाइकिल भी करते हैं, और अपने इसी यूनिक अंदाज के कारण उनकी सेल हर साल बढ़ती चली गई। इन सब के चलते टैक्स सीना तान के कह सकता है कि जल्द ही उनकी कंपनी 100 करोड़ तक कमाएगी। और भाई लोग, मेरी मानो तो सभी कंपनी एक दूसरे से लड़कर कुछ बेहतर बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारे इंडियन पब्लिक को कुछ बेचना आसान थोड़ी ना है। तो भले ही ये शार्क से पैसे तो ले गए हो, पर क्या ये ले जाने पर भी सक्सेसफुल हो पाए हैं? इसे जाने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।